हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखते हैं 2 अप्रैल के लिए करंट अफेयर्स। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया है, यानी देना बैंक और विजया बैंक का इसमें विलय हो गया है। अब ये बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जाने जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक विजया बैंक का विलय हो गया, उसके बाद यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। तो सवाल उठता है कि दो और कौन है, पहली इसके पहले की दो कौन है, तो SBI और HDFC बैंक। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थान आया है। इसके पहले 2017 में SBI में भी 5 जो उसकी सहयोगी बैंक थी, उसके सही जो महिला बैंक खोला गया था उसको SBI में मिला दिया गया। अच्छा, ये जो देना बैंक और विजया बैंक को मिलाया गया है, अब इसकी शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जानी जाएगी। इसके विलय के बाद सरकारी बैंकों की कुल संख्या 18 हो गई है। तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग इसमें देख लेंगे फटाफट, और इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक चला जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है, यूएई ने क्या किया है, भारतीय स्कूल और विश्वविद्यालय में जो डिग्री मिलेगी, यानी हम लोगों को जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री यूएई के डिग्री के इक्विवेलेंट होगी, यानी वहाँ पे इस डिग्री को वही मान्यता दिया जाएगा जो वहाँ के स्कूल और कॉलेज से डिग्री प्राप्त होने के बाद दिया जाता है, यानी दोनों को बराबर मान्यता प्रदान की जाएगी। ऐसा संयुक्त अरब अमीरात ने प्रावधान लाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। इसे भारतीयों के द्वारा, इससे क्या होगा, जो भारतीय वहाँ नौकरी खोजने जा रहे हैं, अब वहाँ के ग्रेजुएशन का अलग वैल्यू, यहाँ का वैल्यू वो नहीं होगा। अगर यहाँ भी ग्रेजुएट हैं तो वहाँ ग्रेजुएट लेवल की नौकरी वो कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त अरब अमीरात में 33 लाख भारतीय हैं, 33 लाख, 33 लाख, और उसमें 30% मतलब उसका जो कुल आबादी है उसका 30% तो भारतीय ही है, 30% भारतीय है। तो इस तरह से वहाँ दिक्कत हो रही थी, इसीलिए यूएई ने इस तरह का प्रावधान यूएई के द्वारा लाया जा रहा है। मंगल हेलीकॉप्टर, एक तो मंगल शब्द से ही समझ में आ रहा होगा और दूसरा क्या है, हेलीकॉप्टर, यानी नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए हेलीकॉप्टर, मंगल हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया है। यह हेलीकॉप्टर कम घनत्व तथा कम गुरुत्वाकर्षण के वातावरण में उड़ान भरने को तैयार किया गया है। क्यों? क्योंकि मंगल का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह बहुत ही कम होता है पृथ्वी की तुलना में, इसीलिए कम गुरुत्वाकर्षण और कम घनत्व में उड़ान भरा जाए, इसका प्रशिक्षण किया जा रहा है। 2020 तक, जुलाई के 2020 तक उम्मीद की जा रही है कि इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, इसका जो 2021 में मंगल ग्रह पे पहुंचेगा। पहुंचने में टाइम लगता है, दूरी है तो वहां पहुंचने में टाइम लगेगा, 2021 तक वो पहुंचेगा। मंगल हेलीकॉप्टर का वजन 1.8 kg होगा, बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्के वजन का है, हल्का रहेगा तो जल्दी पहुंचेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा, और -90 डिग्री टेम्परेचर को भी ये झेल सकता है, यानी -90 डिग्री तक में यह काम कर सकता है, यानी उड़ान भर सकता है। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा इसे तैयार किया गया है। PSLV C25, भूलना ही नहीं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सॉरी SLV क्या लिख दिया है, हटाओ इसको, PSLV C45 मिशन, PSLV C45 को आप लोग याद रखिएगा। 1 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया, यानी मूर्ख दिवस के दिन, बट बहुत काम का है। PSLV C45 के द्वारा पहली बार पृथ्वी की 3 अलग अलग कक्षाओं में, मैंने पहले क्या होता था, 104 तक सैटेलाइट भारत ने छोड़ दिया, इसरो छोड़ चुकी है, बट उसको एक ही कक्षे में स्थापित किया गया, पर 3 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया है, इसे पहली बार हुआ है ऐसा। उपग्रह कितने हैं, तो 29, कुल 29 उपग्रह हैं, जिसमें भारत का एक एमी सेट है, देखेंगे वो क्या है। इसके अलावा 28 उपग्रह में 24 तो अमेरिका का ही है, उसके बाद लिथुआनिया, स्विट्जरलैंड, एक और था ना यहाँ पे, लिथुआनिया स्विट्जरलैंड और स्पेन का भी सैटेलाइट है, उसको इसने छोड़ा है। तो यह पहली बार है जब किसी एक प्रक्षेपण यान से एक ही तरह के उपग्रह को 3 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया। पहली बार भारत के एमी सेट को 749 किलोमीटर पे, पहले 749 किलोमीटर पर स्थापित किया गया, फिर नीचे आया गया और 504 किलोमीटर पे फिर स्थापित किए गए कुछ उपग्रह को, और फिर उसके बाद जो कुछ उपग्रह बचे फिर नीचे आके 485 किलोमीटर पे स्थापित किया गया। इस तरह से 3 अलग अलग
दूरी पे उपग्रहों को स्थापित किया गया है। अब ये एमीसेट क्या है? एक्चुअली ये एमीसेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मापने में इसका उपयोग किया जाएगा, और ये किसी भी दुश्मन के रडार सिस्टम पर नज़र रख सकता है। खास करके जो इसका उद्देश्य है मेन, वो चीन और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों पे नज़र रखना है। मेन चीन और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि पे नज़र रखना है। 15 फरवरी 2017 को इसरो के द्वारा एक और मतलब 104 सेटेलाइट का रिकॉर्ड बनाया गया है, पर ये रिकॉर्ड अनोखा है। मनु साहनी साहब को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बना दिया गया है। सीईओ बना दिया गया है। इसके पहले वो ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। मनु साहनी ने डेविड रिचर्डसन का स्थान लिया है। उसके बाद मियामी ओपन इसको रोजर फेडर ने जीत लिया है, इसको इतना याद रखना है। तो ये था करंट अफेयर्स 2 अप्रैल का, और इसी तरह के करंट अफेयर्स अपडेट होते रहेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।